Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important topic that was in news, and it's regarding infrastructure development around Pengong Taso Lake. Okay, so let's get started with our topic. See, क्यों है ये न्यूज में? देखो, हमें पता है गलवान वैली के क्लैश को 3 साल हो गए हैं, और 3 साल के बाद हमें क्या देखने को मिला है कि दोनों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है इंडिया और चाइना बॉर्डर रीजन पे. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट्स है, दे आर अकरिंग ऑन बोथ साइड सिंस द स्टैंड ऑफ, और दोनों जो है इवन दो 19 राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक कर चुके हैं टू फाइंड अ रेजोल्यूशन टू देयर डिस्प्यूट इन दिस रीजन, कहीं ना कहीं अभी भी बात नहीं बनी है. What are the infrastructure development around the border region? सबसे पहले हम चाइना की तरफ की बात करते हैं कि चाइना ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एफर्ट लिए हैं. देखो, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया गया है पेंगोंग तसो के वहां पे, जो कनेक्ट करता है नॉर्थ एंड साउथ बैंक को, जो कि प्रोग्रेस में है. लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखने को मिली है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी है टूअर्ड शेंडोंग विलेज, जिसको ऑब्जर्व किया गया है चाइनीज साइड से. एक 22 किलोमीटर का लॉन्ग टनल देखने को मिला है, जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है G0177 एक्सप्रेसवे में, जो कनेक्ट कर रहा है वाइटल G21 हाईवे को तिब्बत में. इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, आपको पता है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है. इंडिया बिल्ड कर रही है ब्लैक टॉप्ड रोड ऑन नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग तसो टूवर्ड्स फिंगर. जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंप्लीट कर रही है अपने की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, जो कहाँ कहाँ पे नेचुपा सेलू चेब्रेला टनल एनहांस कर रही है ऑल वे द कनेक्टिविटी अलोंग द एलएसी. जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो ऑल्टरनेटिव एक्सेस पे हो रहा है टू द क्रिटिकल दारबुक्स कॉयोक दौलत बेग ओल्दी रोड, जो कि एडवांस कर रही है कहाँ से ससर लेपा ले ला पे. इंडिया चाइना बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो है, उन्होंने भी स्टार्ट किया है टू इम्प्रूव द मोबिलिटी इंडियन फोर्सेज की, और वो कनेक्ट कर सके बॉर्डर एरियाज के साथ. इनके 3 फेजेस है, ICBR 173 रोड, ICBR 2104 रोड, ICBR 337 रोड. कैपिटल बजट जो है BRO का, विच डज नॉट मोस्ट ऑफ द ICBR वर्क, वो बड़ा है 43%, मींस कहां 2-5000 करोड़ तक बड़ा है. नियरली 70% ये जो रोड है वो ICBR 3 में आती है, जो बिल्ड की जाएगी अरुणाचल प्रदेश में. सेना टनल प्रोजेक्ट मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है, जो अरुणाचल प्रदेश को via network of road से कनेक्ट करेगा. ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बायप्लेन टनल है, कितने हाइट पे है, 13,000 फीट पे. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो अनाउंस की गई थी बजट में 2022-23 के बीच में. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका एम है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट देना विलेजेस को ऑन द बॉर्डर विद चाइना, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोग वहां पे रह रहे हैं आइडेंटिफाइड बॉर्डर विलेज पे. ये जो प्रोग्राम है वो इम्प्रूव करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश. अंडर दिस प्रोग्राम रेजिडेंशियल एंड टूरिस्ट सेंटर्स को भी बनाया जाएगा. अब आप ये देख सकते हो इस मैप के जरिए गलवान वैली कहाँ है. यहाँ है गलवान वैली एलएसी पे, क्लैश कहाँ हुआ था, यहीं पे हुआ था. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये है हमारा पेंगोंग लेक जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. क्या इम्प्लीफिकेशन है इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की? पॉजिटिव के तौर पे बात करें, इसकी वजह से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्प्रूव हो रहा है, और इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज भी स्ट्रेंथन हो रही है, जो इम्प्रूव कर रही है उनकी एबिलिटी टू पेट्रोल, और वो बॉर्डर को सिक्योर कर पा रहे हैं. इसकी वजह से कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है, जिसकी वजह से लोकल कम्युनिटीज अपने रीजनल डेवलपमेंट को बूस्ट कर रहे हैं और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर रहे हैं. ये इम्प्रूव हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ करता है इंडिया को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रॉन्गर स्ट्रैटेजिक पोजिशन इन द रीजन, जो पोटेंशियली डेटर कर सकेगा चाइना के एग्रेसिव मूव को. नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो ऑनगोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करके टेंशन को हाइड कर सकते हैं. ये कंसर्न रेज करता है विद इन बोथ इंडिया एंड चाइना अबाउट इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज इन द रीजन ऑफ द अदर कंट्री. परसेप्शन ये है इंडिया के असर्टिवनेस जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बायलेटरल नेगोशिएशन एंड रिलेशंस को. अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स टॉक अबाउट पेंगोंग तसो लेक. उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, पेंगोंग तसो 135 किलोमीटर लॉन्ग लैंडलॉक लेक है, जो कि 14,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है सी लेवल से. ये लेक जो है वो ग्लेशियर मेल्ट है. इसके पास माउंटेन स्पूर्स है ऑफ चेंग चेनमो रेंज जेटिंग डाउन, जिसको फिंगर्स कहा जाता है.
It is one of the highest altitude lake in the world that is filled with saline water. Even though ये saline water lake है, Pengong तो freeze कर जाता है completely. Brackish water जो है इस region का उसके पास क्या है? Low micro vegetation है. कोई aquatic life नहीं है, fish नहीं है, except crustines during winters are found. Pengong तो popular है for its changing color ability. इसका color change होता है from shades of blue to green to red. Fingers की बात कर लेते हैं Pengong तसो की. Pengong तसो lake located in the eastern Ladakh and it has unique shape resembling a boomerang stretching for about 135 km. ये lake को characterize किया जाता है by mountain spurs that protrude into water known as finger. जो finger है Pengong तसो की वो number की गई है from 1 to 8 with finger 1 being the closest to eastern end of the lake, finger 8 being the farthest. इंडिया एंड चाइना के डिफरेंट परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके जो डी फैक्टो बॉर्डर मतलब कहीं ना कहीं सर्व करते हैं एज द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज. इंडिया एंड चाइना के शेयर की बात करें इंडिया एंड चाइना हैव अराउंड 1/3 एंड 2/3 ऑफ Pengong तसो लेक रिस्पेक्टिवली. इंडिया हैज अराउंड 45 किलोमीटर ऑफ Pengong तसो अंडर इट्स कंट्रोल. द ईस्टर्न एंड ऑफ Pengong तसो लाइज इन तिब्बत. बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है Pengong तसो पे? इंडिया क्लेम करता है कंट्रोल ओवर द लेक अंटिल फिंगर 4 एंड बिलीव करता है कि ये जो टेरिटरी है एक्सटेंड होती है अप टू फिंगर 8. जो नॉर्थ बैंक है जहाँ पे फिंगर लोकेटेड है हैज बीन द सेंटर ऑफ क्लैशेस एंड टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज. इंडियन ट्रूप्स जो स्टेशन है नियर फिंगर 3 और चाइनीज हैव बेस ईस्ट ऑफ फिंगर 8 क्लेम करते हैं अपनी टेरिटरी को अप टू फिंगर 2. सो गाइज दैट वॉज ऑल. और आप इसको भी देख सकते हो, इसमें आप देख पा रहे हो हमारी सारी फिंगर्स को दर्शाया गया है. फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, 7, 8. ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको कवर कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल SSP सक्सेस. योर लाइक्स एंड कमेंट्स मोटिवेट अस टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस ऑन टाइम. थैंक यू एवरीवन.